अभी हेलो दोस्तों, ये देखिए ये गाड़ी है अर्टिगा पेट्रोल सीएनजी। और आज हम देखेंगे इसमें डिस्प्ले के कुछ मैं फ़ीचर बताऊंगा इसके अंदर, क्लस्टर मीटर के अंदर। और इसमें जो फीचर से अभी तो मैं फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि ये जो किलोमीटर पर हावर है, इसमें हम जब गाड़ी चलाएंगे तो इसमें बताएगा कि आप कितने किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से आप चल रहे हैं। और दूसरा जो मोड है ये आपका घड़ी है, अभी तो घड़ी आपका जो है कि गलत बता रहा है, अभी टाइमिंग सेट नहीं है इसकी वजह से गलत बता रहा है। और आगे है आपका मोशन फ्रंट। मोशन फ्रंट के बारे में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जानते नहीं कि मोशन फ्रंट होता क्या है। एक्चुअली ये है कि ये गाड़ी के जो गाड़ी होती है, ये चारों कोना जो होता है, जिस तरफ ज़्यादा भार रहेगा उस तरफ ये रेड डॉट बन जाएगा। अगर मोशन फ्रंट अगर आगे कुछ ज़्यादा भारीपन है तो यहाँ पर रेड डॉट बनेगा। अगर लेफ़्ट साइड में ज़्यादा भारीपन है, या फिर अगर मान लीजिए हो सकता है कि टायर पंचर हो जाए आपका, तो भी हो सकता है कि टायर पंचर होने के बाद भी हो सकता है कि रेड डॉट बन सकता है। और पीछे अगर आप जैसे लगेज है, कुछ ज़्यादा सामान हो गया, ज़्यादा सामान रख दिए, तो ये रेड डॉट इसमें दिखाएगा कि हाँ पीछे कुछ ज़्यादा वजन रखा हुआ है। और आगे हम चलेंगे, इसमें देखिए टॉर्क और पावर, इसमें जो है कि ये टॉर्क और पावर है। जब हम एक्सलेट करेंगे तो ये टॉर्क देखिए बढ़ रहा है और ये नीचे पावर बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। और आगे इसमें एक और फंक्शन है, ये एक्सलेटर और ब्रेक। अभी एक्सलेटर ये देखिए, अभी मैं हल्का एक्सलेटर लूँगा तो इसमें डॉट डॉट बन कर आएगा, देखिए डॉट बन के आ रहा। और मैं जैसे झटके से एक्सलेटर लूँगा, लंबा ये डॉट बन गया। और ये नीचे जो ब्रेक है, ब्रेक हम यूज़ करेंगे तब ये दिखाएगा। जैसे ये देखिए ब्रेक मैंने थोड़ा सा प्रेस किया है, अभी ये इतना डॉट आ रहा है। अभी मैं पूरा प्रेस करूँगा, ये देखिए पूरा डॉट बन कर आ गया, अभी मैंने पूरा प्रेस कर दिया है ब्रेक को। और आगे जो है ये आपका सीएनजी और ये पेट्रोल। तो अभी आप फ़िलहाल गाड़ी जो है सीएनजी पे चल रही है, तो ये सीएनजी जैसे जैसे ख़त्म होगी तो ये जो येलो कलर का जो ये डॉट है, ये आपका ये बढ़ता जाएगा, और सीएनजी का जो एरो ये हरे कलर का, ये घटता जाएगा, ठीक है दोस्तों। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी सीएनजी ख़त्म हो रही है, ठीक है। और आगे जो है ये आपका सीएनजी टैंक दिखा रहा है, तो इसमें पॉइंट बताता है कि कितनी पॉइंट सीएनजी ख़त्म हुई है, ठीक है। और आगे ये है, और कुछ डिस्प्ले के फीचर के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। ये दो नॉब दिए होते हैं, क्लस्टर मीटर में दो नॉब होते हैं, और इससे हमें दबा करके कैसे सेट करके कैसे चलाना, मैं आज आपको बताऊंगा। ये देखिए अभी ए दिखा रहा है और 00 किलोमीटर दिखा रहा है। अभी मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिए मैंने प्रेस किया इसको, और प्रेस करने के बाद देखिए कुछ ऐसा फंक्शन आ गया आपका, जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन में बैक है, डिस्टेंस यूनिट है, लैंग्वेज है, सेट सेंसर है, क्लॉक सेटिंग है, डोर लॉक है, लाइट है, एंटी थेफ्ट है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और मैं अभी सबको बारी बारी से अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें क्या क्या फ़ीचर हैं। डिस्टेंस यूनिट, मैं अभी डिस्टेंस यूनिट में बताऊँगा कि डिस्टेंस यूनिट होता क्या है। डिस्टेंस यूनिट होता है कि जैसे आपकी गाड़ी कितना चली है वो किलोमीटर में दिखाएगा। अगर मैं माइल्स में कर देता हूँ तो वो जितनी रीडिंग होती है, जैसे जो किलोमीटर का रीडिंग होती है, वो रीडिंग को माइल्स में बदल जाएंगे कि मेरी इतनी माइल्स चली हुई है गाड़ी। तो और इसमें अभी हमें कुछ करना नहीं है, ये तो हमें बैक करना है। और दूसरी जो चीज़ है ये लैंग्वेज, लैंग्वेज है आपको, अब जिस हिसाब से अगर आपको लैंग्वेज समझ में आती है, इंग्लिश आती है, फ्रांस आती है, स्पेनिश आती है, तो आप उसमें आप सेट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोग इंग्लिश ज़्यादा तो बेटर रहता है, और इंग्लिश आसान भी रहता है बहुत लोगों के लिए, समझ जाते हैं। अभी तो हमारे इधर इंडिया में तो इंग्लिश ही चलता है, तो हम इंग्लिश ही ज़्यादातर करते हैं। और फिर इसके बाद देखिए सेट सेंसर, सेट सेंसर जो होता है, जो हम गाड़ी जब हम रिवर्स करते हैं, गाड़ी जब हम, और देखिए इसमें जो सेट सेंसर लिखा है ना, तो सेट सेंसर पे मैंने आया था, तो ये देखिए नॉर्मल मोड और ट्रेलर मोड। जब हम ट्रेलर मोड पे कर देते हैं तो ये सेट सेंसर जो है वो काम नहीं करेगा, जो बैक सेंसर होता है। और बैक सेंसर कब नहीं काम करेगा, जैसे अगर कोई गाड़ी अगर आपकी है, जैसे गाड़ी कोई फंस गई है कचड़े में, या कहीं भी गाड़ी अगर बंद हो गई है तो आपको टो करना है, तो उस सेंसर को आपको बंद करना पड़ेगा। अगर नहीं बंद करेंगे तो वो रिवर्स गियर जब भी डालेंगे तो लगेगा गाड़ी को कि नहीं पीछे कोई गाड़ी खड़ी है, तो आपको हमेशा इंडिकेट करती रहेगी। बस ये सेट सेंसर इसी के लिए दिया गया है कि आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं और चालू भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है यहाँ से क्लॉक सेटिंग, क्लॉक सेटिंग आप यहाँ से एडजस्ट क्लॉक कर सकते हैं, एडजस्ट डेट कर सकते हैं। तो अभी आज जो टाइमिंग है, अभी मैं टाइमिंग देखूँ कितना टाइम हो रहा है, मेरे घड़ी में जो है अभी 10:09 हो रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ पे 10 मिनट 10 10 का भी टाइमिंग मैं डालता हूँ, 10:09, ठीक है। ये देखिए 10:10 कर देता हूँ, हो गया।
सक्सेसफुल लिख दिया, हो गया। और हमें सेट करना है, अब ये तो सेट करना है 12 हावर करना है कि 24 हावर करना है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन मैं 12 हावर ही रहने देता हूँ अभी। और अब आ जाते हैं एडजस्ट डेट, एडजस्ट डेट पे आ जाते हैं, इसमें ईयर कौन सा है, मतलब साल कौन सा है, तो साल हमारा है 2023, और महीना कौन सा है, हमारा महीना है जो कि तीसरा, और डेट कितनी तारीख है, आज हमारी है 20, तो हम इसको 20 तारीख पे हम सेट कर देते हैं। ये हो गया 20 तारीख पे सेट करने के लिए। दोस्तों इसे कुछ करना नहीं, बस इस नॉब को राइट में घुमाना है, राइट और लेफ्ट में घुमाना है, और ये नॉब को हमें दबा करके रखना है, तभी ये फंक्शन आएंगे, वरना नहीं आएंगे। और जब ये फंक्शन जब चालू हो जाता है, तो हमें ट्रिप वाला जो नॉब होता है उसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, हमेशा सिर्फ हमें ये राइट वाले से ही हमें सारे काम करने हैं, एडजस्टमेंट हो, सेट करना हो, कुछ भी, तो हमें इसी से करना है। देखिए मैंने दबा दिया, सक्सेसफुल हो गया। अब हम आ जाते हैं बैक पे, और बैक जाने के बाद आ जाते हैं हम डोर लॉक। डोर लॉक में जैसे ये हो गया आपका डोर अनलॉक, तो जब हम गाड़ी हम जब चलाएंगे तो उसमें ये होता है कि इसमें देखिए ड्राइवर डोर जो होता है, इसमें एक वो होता है, जब हम गाड़ी को एक बार डोर लॉक जो रिमोट से हम दबाएंगे, तो ये सिर्फ ड्राइवर साइड का डोर अनलॉक होगा, और यदि अगर हम ऑल डोर पे कर देते हैं, तो आप जैसे एक बार प्रेस करेंगे सेंटर लॉक जो रिमोट होता है, रिमोट अभी मैं दिखा दूँ कौन सा कहाँ गया रिमोट, फ़िलहाल तो चाबी देखिए मिल नहीं रही है दोस्तों, क्योंकि गाड़ी अभी जो है ये नई है और हम लोग इसमें वीडियो बना रहे हैं, चाबी मिल नहीं रही जबकि गाड़ी स्टार्ट है, इसका मतलब है कि गाड़ी में ही चाबी कहीं पर है, लेकिन अभी पता नहीं चला कि कहां पर है। और आगे हम चलते हैं, देखिए ऑटो लॉक, ऑटो लॉक ये होता है जैसे स्पीड लिखा हुआ ना साइंक्रो और मैनुअल लॉक, तो मैनुअल लॉक ये होता है कि जैसे आप गाड़ी आप चला रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें मैनुअल लॉक आप बटन जब यहां से दबाएंगे ये डोर के पास, तो ये गाड़ी लॉक हो जाएगी। अभी देखिए अनलॉक हो गया, और यहाँ से मैं जब कर रहा हूँ तो ये देखिए लॉक हो जा रहा है, तो अभी मैं फ़िलहाल लॉक कर रखा हूँ। और स्पीड जो साइन क्रो है, इस पर अगर आप कर देंगे तो गाड़ी जैसे ही 20 की स्पीड जब पकड़ेगी तो ये ऑटो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बैक, और ऑटो अनलॉक जैसे हम ये हो गया इग्निशन ऑफ, मतलब जैसे गाड़ी हमने बंद करके इग्निशन, जैसे ही हमने चाबी बाहर निकाला, चाबी यहीं पर लगी हुई, जैसे हम चाबी बाहर निकालिए बंद करके, तो इसे अनलॉक हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और ये साइन क्रो ऑफ जो है, जब हम इस पर कर देंगे, सेट कर देंगे, तो चाबी आप बाहर निकालेंगे लेकिन गाड़ी अनलॉक नहीं होगी, गाड़ी लॉक की लॉक ही रहेगी, फिर आपको मैनुअल अनलॉक करना पड़ेगा, या तो चाबी से कर सकते हैं या फिर यहाँ बटन से कर सकते हैं डोर वाले। अब आ जाते हैं बैक पे, और ये अलार्म हो गया, जैसे अलार्म तो मान लीजिए ऑन है, और ये आपका कुछ हो गया, बैक जाते हैं फिर हम यहाँ से, और ये हो गया लाइट का कुछ लेन चेंज, ये भी ऑन है फिलहाल। अभी इसके बारे में आगे देखिए, एंटी थेफ्ट शॉक सेंसर पी, शॉक सेंसर एफ, मतलब ये होता है कि एंटी थेफ्ट, मतलब ये है कि गाड़ी चाहे शॉक सेंसर पे कर दीजिए, फिर शॉक सेंसर पी पे कर दीजिए, अगर गाड़ी खड़ी है, कोई इस गाड़ी को टच करता है, तो ये होता है कि गाड़ी वो करने लगती है, क्या बोलते हैं इसका, वो अलार्म बजने लगता है, लगेगा कि नहीं गाड़ी के पास आपके कोई है, कोई या तो फिर गाड़ी के साथ छेड़खानी कर रहा हो, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसमें डिस्प्ले आइटम में, जैसे ये हो गया कार कलर, तो हम जैसे कार कलर में जो डिस्प्ले का आइटम जो होता है, जब गाड़ी हम चाबी ऑफ करके, जब गाड़ी को बंद करके हम चाबी निकालते हैं, तो डोर जब खुला रहता है, तो उसमें डोर में दिखाता है ना कि हाँ गाड़ी का डोर कौन सा खुला है, तो गाड़ी पूरा बंद कराएगा डिस्प्ले में, लेकिन कलर अलग रहेगा, तो आप इसमें जो भी चूज़ कर सकते हैं कलर को, ये आपके ऊपर है। और ये हो गया कैलेंडर डिस्प्ले, तो कैलेंडर तो ऑन है फ़िलहाल, और कैलेंडर फ्रॉम डेट मंथ ईयर करना है, तो डेट मंथ ईयर है, अगर ईयर मंथ डेट करना है तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी इसमें चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आ जाइए मोशन हिस्ट्री, ये डिस्प्ले ऑन, उसको ऑफ़ कर सकते हैं, जो मोशन फ्रंट में बता रहा था आपको, जो पहले डिस्प्ले में था, उस मोशन फ्रंट को मैं बता रहा था, वो देखिए मोशन हिस्ट्री, उसको आप बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। और ये हो गया आपका पैडल ऑफ डिस्प्ले, इसको भी आप वहाँ से, जो हमने एक्सलेटर और ब्रेक जो दिखा रहा था डिस्प्ले में, इसको भी अगर हम अगर ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और
मैं फिर से बैक जाता हूँ डिफ़ॉल्ट में, तो ये तो नो है या फिर यस आपके ऊपर है। बस इतने के लिए अब आज के लिए फ़िलहाल दोस्तों बस इतना ही है। बस बने रहिए ऐसी वीडियो के साथ, आगे मैं और भी वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा तो आपको भेजता रहूँगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।